दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियों में से कैल्शियम कम होना एक स्वाभाविक सी बात है। इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसे रिकवर कर सकते हैं। समय रहते इससे छुटकारा पाया जा सकता है, यानी कि समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर 40 साल की उम्र है तो कैल्शियम कम होना स्वाभाविक सी है, क्योंकि हमारा गट जो है वो कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता खत्म कर लेता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम कम है या फिर आपकी उम्र 35-40 साल के करीब हो चुकी है तो इन चीजों को जरूर खाइए, ताकि आपकी हड्डियों का दर्द, कैल्शियम की कमी, ये कभी ना हो। अगर हो चुकी है तो ये बहुत जल्दी रिकवर हो सके। दोस्तों, सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, वो है चूना। लेकिन चूना लेने का कुछ तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि सिर्फ कनक के दाने जितना चूना आपको पानी के अंदर मिक्स करके जितना फायदा मिलेगा, उतना किसी और चीज में मिक्स करके अगर आप लेते हैं तो उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। यानी आपको कनक के दाने जितना चूना पानी के अंदर मिक्स करके किस टाइम लेना है, ये शायद 90% लोगों को नहीं पता। जब तक धूप है तब तक ले सकते हैं, यानी कि दिन ढलने के बाद इसको नहीं लिया जा सकता, कोई फायदा नहीं करता। तो आपने दिन के समय में ही चूने का इस्तेमाल इस तरीके से करना है। अब इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, ये हड्डियों को तो मजबूत करेगा ही करेगा, इसके अलावा ये क्षारीय प्रकृति का होता है तो हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाएगा, क्षारीय को बढ़ाएगा और हमें ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से भी बचा कर रखेगा। अगर आप ये बच्चों को दे रहे हैं तो उनके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, उनकी हाइट को बढ़ाने का काम करेगा। बच्चों को आपको कनक के दाने से भी आधा चूना ही पानी में मिक्स करके देना है। दोस्तों, इसमें आप मीठे के लिए मिश्री डाल सकते हैं, वैसे इसका स्वाद में कोई भी चेंज नहीं आता। जैन धर्म के लोग तो वैसे भी चूने वाला पानी ही पीते हैं, क्योंकि वो मानते हैं इससे पानी शुद्ध हो जाता है और उनकी हड्डियां हमेशा मजबूत ही रहती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, वो है मखाना। मखाने के अंदर सोडियम बहुत कम होता है और इसके अंदर कैल्शियम और फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। रोस्ट करिए इनको, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, नमक मिर्च लगाकर हल्का सा इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कितने दाने रोजाना सेवन करने जरूरी है, तो 10 से 15 दाने तो आप जरूर कीजिएगा। अगर आपने मखाने का इस्तेमाल इस तरीके से करना शुरू कर दिया तो आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी। बहुत साधारण सी चीज है ना, सुनने में भी बहुत आसान सी लगती है और बाजार में भी बहुत आसानी से मिल जाती है। अब मैं आपको अगली चीज के बारे में बता देती हूँ, वो है दोस्तों गूगल। गूगल हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाती है। अगर हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो चुकी है तो उसको दूर करती है, यानी कि बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करती है गूगल। अगर बहुत सारे लोग गूगल के बारे में नहीं जानते तो गूगल का मतलब है वो गोंद जो सर्दियों के दिनों में खाई जाती है। सर्दियों के दिनों में खाई जाने वाली गोंद को अगर आप फ्राई करके घी के अंदर फ्राई कर लीजिए और उसे दूध के अंदर मिक्स करें, गर्म दूध के अंदर मिक्स करके आधे चम्मच के करीब खा लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं खाना चाहते तो आप इसका पाउडर बनाकर, जो सर्दियों के दिनों में गोंद खाई जाती है, इसका पाउडर बनाकर भी आप सिर्फ 1/4 चम्मच गर्म दूध के अंदर मिक्स करके अगर आप लेते हैं तो ये हड्डियों को मजबूत करती है। गूगल यानी की गोंद, सर्दियों में इस्तेमाल की जाने वाली गोंद। अब दोस्तों, आपको एक और चीज बता देती हूँ, वो चीज है रागी। अब रागी की इडली भी बना सकते हैं, रागी की रोटी भी बना सकते हैं, रागी का दलिया भी बना सकते हैं, और सबसे बढ़िया चीज है रागी आती भी बहुत सस्ती है, बहुत चीप सी मिल जाती है और इसके फायदे बहुत ज्यादा है। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। आप इसका नियमित सेवन कर सकते हैं और कैल्शियम की कमी को शरीर में से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें बता देती हूँ, जैसे कि खजूर है, खजूर को पानी में भिगो दीजिए 4 से 5 दाने और सुबह इसका इस्तेमाल कीजिए। आप रोजाना अपनी डाइट में केले शामिल कीजिए, अपने बच्चों को केले खिलाइए ताकि उनको ये कमी कभी हो ही ना। और एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसे कहा
कहा जाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी चीज है जो बॉन डेंसिटी को बढ़ाती है, यानी कि हड्डियों को सुरक्षित और सेफ रखने का काम करती है। तो आप इसका इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां या होम्योपैथिक दवाइयां या एलोपैथिक दवाइयों के बारे में सुना होगा, लेकिन जो चीजें आज मैंने आपको बताई हैं वो ऐसी डाइट है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए कि ताकि ये हड्डियों की कमजोरी जिंदगी में आए ही नहीं। तो ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।